Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite Mail. Well guys, देखो time हमने ज़्यादा waste करना नहीं, बिल्कुल सीधा point पे बात करता हूँ, practical बात करता हूँ, जो कि आपकी real life में बहुत ही changes लाने वाली है. तो आज का main question क्या है कि कौन सा frame आपके face shape के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगता है? एक basic rule जो आपकी eyewear की game को completely change कर देगा, एक ऐसा frame जो हर face shape पे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बारे में बात करेंगे. And guys, one more important thing, अगर आपको power चश्मा चढ़ा हुआ है, आपने उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एज एन एसेसरी ट्रीट करो. एंड गाइस, उसका इंपैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ही अच्छे लेवल का लगता है, आप ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लगते हो, आपकी क्लोथिंग पर बहुत अच्छा लगता है. एंड गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ अ टाइम, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपने करना है सब्सक्राइब. सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1 इज आपका कौन सा फेस शेप है. तो गाइस, मैं आपको बताऊं, हमारी फेस शेप्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एंगुलर फेस शेप्स, एक है कर्व्ड फेस शेप. तो इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो ये फेस शेप काफी ज्यादा डिफाइंड, थोड़ी मस्कुलर, थोड़ी एंगुलर, मतलब इसके अंदर तीखापन है. सिमिलरली कर्व फेस शेप्स के अंदर अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो उसमें राउंडनेस ज्यादा है, मतलब गोलाईपन ज्यादा है. तो गाइस, इन सब में से आपकी कौन सी फेस शेप है, बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपने लेना अपना फोन, यहां पे खोलना इंस्टाग्राम, सबसे पहले आपने डायनामाइट मेल को फॉलो करना है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर उसके बाद निकालना है कैमरा और आपका जो फेस है उसमें आपने सेल्फी लेनी है, जिसमें आपका फेस थोड़ा बाहर रहेगा एंड आपके जो दांत है वो दबे रहेंगे लाइक दिस. इससे आपकी जॉ लाइन जो है बाहर निकल के आएगी एंड जब आप इसको आउटलाइन करोगे अपनी जॉ लाइन को तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फेस शेप कौन सी है. तो गाइस, जैसे कि मेरी फेस शेप निकल के आई है, दिस इज अ ट्रायंगुलर फेस शेप. तो अगर मैं इसको मैच करूं 6 फेस शेप्स के हिसाब से तो ये ट्रायंगुलर फेस शेप है. पहले तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट. तो गाइस, अब बारी आती है कौन सा फ्रेम आपके फेस शेप पे बहुत अच्छा लगता है, वो रूल क्या है. तो उस रूल को मैंने नाम दिया है दी इनवर्स रूल. तो गाइस, मैंने आपको बताया था एंगुलर फेस शेप्स, कर्व फेस शेप्स. तो एंगुलर फेस शेप्स पे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे कर्व फ्रेम्स. आप इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो. तो जिसमें तीखापन है, जिसमें डिफाइंड स्ट्रक्चर है, अगर आप अपने फेस में गोलाईपन ऐड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ द राउंडेड फ्रेम्स, तो वो आपके फेस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. सिमिलरली कर्व फेस शेप्स में सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं एंगुलर फ्रेम्स. अगेन, इस चीज का पहले आपने स्क्रीनशॉट लेना है. तो कहने का मतलब, जहां आपके फेस में ऑलरेडी गोलाई है, जहां पे कर्व्स है, वहां पे आपने एंगुलर फ्रेम्स को ऐड करना है, जो आपके फेस को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा. तो गाइस, ये था सबसे बेसिक और बढ़िया रूल, जो आई एम श्योर इस बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी. ये बेसिक रूल जानने के बाद आपको लाइफ में कभी भी फ्रेम चूज करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है. तो गाइस, था ना बढ़िया रूल. अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा होना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रूल हेल्पफुल लगा कि नहीं. तो गाइस, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वो फ्रेम है जो हर फेस शेप पर बहुत ही बढ़िया लगता है? तो उसका नाम है दी वेफेयरर. तो गाइस, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ऊपर की साइड में एक एंगल है, एक सीधी लाइन है और नीचे से थोड़ा सा वो राउंडेड है, थोड़ा गोलाईपन है, जो इसको बहुत ही बढ़िया फ्रेम बनाता है, जिसमें एंगल भी हो गया, राउंडनेस भी होगी. तो ये फीचर इसको कंपैटिबल बनाता है हर फेस शेप के ऊपर. तो आप ट्राई करना चाहते हो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दी वेफेयरर. तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आए थे कि भाई अपने फ्रेम का लिंक प्रोवाइड कर दो. तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फेस शेप के हिसाब से बेस्ट फ्रेम्स के लिंक्स डाल रहा हूं, अगर आप खरीदना चाहते हो यू कैन परचेज फ्रॉम देम. और गाइस, उससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि अपने घर के आसपास लोकल ऑप्टिकल शॉप चले जाओ, वहां पे उस बंदे को फोटो दिखा दो फ्रेम की, वो आपको सही रेट के हिसाब से आपको दे देगा. एंड वहां जब आप ट्राई करोगे तो आपको श्योरिटी रहेगी कि फ्रेम आपके ऊपर कैसा दिखता है. तो गाइस, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको सच में पसंद आई ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और नीचे लाल लाल सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है. और सच में हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी. अपना ध्यान रखना है, अपने बड़ों का भी ध्यान रखना है. एंड बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर.